सुबह के 5:59 हुए हैं और ये मेरे राइट साइड ये निरंजना नदी जो झाड़ियों और रेतीले टीलों के रूप में तब्दील हो चुकी है और मैं निकल गया हूँ यहाँ से अब सिलीगुड़ी की ओर। देख कितना कवर कर पाते हैं, टायर का प्रेशर चेक कराना है पर आई डोंट थिंक सो अभी कुछ खुला होगा। तो यहाँ से बोधगया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। 2 दिन यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक आप वैसे तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग मंदिर और मोनेस्ट्री बनाए हैं, लेकिन जो महाबोधि मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध ने आकर लंबे समय तक ध्यान किया था पीपल पेड़ के नीचे, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। वहाँ पेड़ के पास या पूरे मंदिर परिसर में ही बैठ के उस क्षेत्र में जाके ही आपको कुछ अलग सा ही महसूस होने लगता है। तो कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ बात है वहाँ, जो भी आजकल एक लैंग्वेज चलती है कि वाइब है, तो हाँ वहाँ वाइब है, कुछ अलग है। और वहाँ स्मार्टफोन्स अलाउ नहीं रहते, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और आप अपना जो भी कैमरा वीडियो कैमरा वगैरह लेके जा सकते हैं। तो सुबह के 6:15 हुए हैं और मैं गया पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि गया और बोध गया दो अलग अलग जगहें हैं। मतलब गया जो मेन ज़िला है वहाँ से बोध गया लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं बोध गया से गया आ चुका हूँ। यहाँ कहीं से मुड़ना है मेरे को, अच्छा आगे से राइट, ओके। तो जो विष्णुपद मंदिर है जहाँ पिंड दान करते हैं वो बोध गया में नहीं है, वो गया में है। और बोध गया में महाबोधि का मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ। ये बाकी हम पर इतना ऊंचा पहले गाड़ी देखा लिए है देखा हुआ इतना है, यही वाला तो बोल रहे हैं। राजा आ जाएगा ना 200 देख लेंगे। हाँ मशीन वाले लाओ, कार्ड वाला। ताड़ के पेड़ बहुत दिख रहे हैं बिहार में। हर स्टेट की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। ये बिहार की खूबसूरती है। जेठियन घाटी जेठियन घाटी, मतलब जेठ के आधार पर रखा गया है क्या इस घाटी का नाम? अरे वाह क्या लैंडस्केप है, शानदार। पूरी पहाड़ी दिख रही है यहाँ से। तो
खूबसूरत घाटी है, शानदार। ये रत्नागिरी है और ये राजगीर वन्य प्राणी सफारी, अच्छा जू सफारी है ये। ओके, जू सफारी का क्या करना है? एक्चुअली आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो इन दिस लिमिटेड थ्रेशोल्ड आई नीड टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, सो इन चीज़ों को अभी जो है होल्ड कर रहा हूँ, बाद में कभी देखेंगे। 23 नवंबर ही है 22, हाँ आज ही है ये महोत्सव। बड़े बड़े तांगे घोड़े वाले राजगीर शहर में देखने को मिल गए। तो एक भारत ऐसा भी जहाँ कच्चे मकान हैं, रोड पे ही भैंसें पाल रखी हैं, एकदम रोड से सटा हुआ है, और ये खूबसूरत मंदिर। ये देखिए, तो यूपी बिहार में तो ये रहता ही है कि चिनाई नहीं करते हैं, सॉरी मतलब जो है अपनी दीवार ऐसी ही छोड़ देते हैं, चिनाई नहीं करते हैं सीमेंट से। पूर्णिया 223, बेगूसराय 57, मेरे को पूर्णिया जाना है। 223 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं वैसे। देख के तो लग रहा है कि इधर रोड अच्छी होगी, लेट्स सी। यह सड़कें हैं बिहार की भी एकदम चौड़ी चौड़ी, और पूरा चूँकि गंगा का दोआब वाला क्षेत्र है ये, तो पूरा आपको पूरा फ्लैट ज़मीन मिलेगा। कहीं जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिल जाता है, पर यहां गंगा के दोआब वाले क्षेत्र की वजह से पूरा फ्लैट है। दूर दूर तक देखिए एकदम सीधे सीधे खेत, यहाँ सड़कें बहुत बढ़िया हैं, आराम से 90 में क्रूज कर सकते हैं एकदम इजीली, एकदम मक्खन सड़क है एकदम। पहली बार कृषि क्षेत्र लिखा है बड़ा सा ऐसा बोर्ड देख रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है।
इज द कलर ऑफ इंडिया। आज भी यहाँ पे पुरानी कमांडर चल रही है और मस्त ऊपर में ही बैठे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में लोग ज़्यादा हैं लेकिन उसके पीछे जो फैसिलिटीज़ हैं उतनी नहीं। ये भी एक कमांडर देखिए, पूरा फुल पैक जा रहा है ऊपर में राशन भर के। पहाड़ी राइट साइड में 811 स्पीड आई थिंक 100 के आसपास होगी। देखते हैं, ट्रेन को क्रॉस करते हैं। 111 क्रॉस तो हो रही है। रेल को आज तो पीछे करना पड़ेगा। 123 ये पीछे हो गई। आया हूँ